हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग हम सुबह से स्टार्ट करते हैं। ये मलाई मैं दिखा रही थी आपको, और ये कल के लेफ़्ट ओवर चावल हैं जो मैं सुबह नाश्ते में खाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, ठहर के बनाऊंगी। और ये दूध है, और ये सालन आलू शलजम का सालन था, और साथ मैंने खीरे काट लिए हैं, और लस्सी और चावल बच्चों को खिला दिया, खुद भी खा लिया, और इनकी ऑयलिंग कर दी आज, इन दोनों को नहलाना है, और नमल को भी कर दिया। देखें छोटो पिद्दो बैठी हुई है, बस दोनों जो काम हुरैन करती है वही नमल कर रही होती है। और मैं रूम में आ गई हूँ, रूम में मैंने बेडशीट चेंज करनी है फाइनली। आज एक हफ्ते के बाद मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, और नीचे मैंने वाइट कलर का शीट बिछाई हुई है, वाटरप्रूफ है ये, इसे स्टैंड के अंदर मैंने रखी हुई है मैं अपनी बेडशीट्स, और सेलेक्ट करने के लिए आ गई हूँ। आज ब्लू कलर की, स्काई ब्लू कलर की बिछाऊँगी। तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ठाक हैं? और क्या चल रहा है लाइफ में? दिन के अंदर काफ़ी काम होते हैं जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता रिकॉर्ड करना, और मिस कर देती हूँ काफ़ी मोमेंट्स को। लेकिन अब मुझे मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं रिकॉर्ड करूँ। मुझे पता है कि मैंने व्लॉग अपलोड करना है, व्लॉग बनाना है, और मुझे व्लॉग का बनाने का शौक़ है। और आप लोग इस तरह मुझे प्यार करते रहेंगे और करेंगे, तो मैं आगे इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊंगी। और घर में से मुझे इतनी सपोर्ट नहीं मिली, सिवाय मेरे हस्बैंड से, बाकी मेरे ससुराल वाले को अभी नहीं पता कि मैं व्लॉग बनाती हूँ यूट्यूब के ऊपर। मेरे हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट है पूरी, वो पता नहीं जब उन्हें पता चलेगा तो उनका क्या एक्शन होगा। मुझे शौक़ था, मैं व्लॉगिंग देखती थी यूट्यूब पर नताशा वकास की और अक्सा सर्वर की, उनसे इंस्पायर होकर मैंने, मुझे अच्छा लगा तो मैंने बनाया। और आप लोग इसी तरह मुझे प्यार करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक एंड शेयर करते रहें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, फुल वॉच किया करें। बड़ी होगी बातें भाई, आज जो भी किचन में आके मैंने पहले करेले फ्राई कर लिए थे, उसी ऑयल में मैंने चिकन को फ्राई कर लिया। तीनों चीज़ें मिक्स बनानी है, चिकन और करेले, गोभी, आलू, ये सारा कुछ मैंने डाल के बनाया था। करेले गोश्त, पहले करेले गोश्त बनाने गई थी, फिर मुझे कम चीज़ लगी, मैंने मिक्स बना दी हर चीज़, और इन सबको मसाला भून के ये भी डाल दी, आलू और गोभी भी। इसे भूनने के बाद बाकी चिकन और जो फ्राई किए हुए थे वो भी डाल देने हैं, करेले भी डाल देने हैं, और फिर सालन हो जाएगा रेडी। फ्रेन क्या खा रही है? पॉप्स खा रही हो? अच्छे लगते हैं आपको? गुड। नमक किधर है? हाँ जी, सुन लिया हुरैन को आपने, और देखा उसने कितना फुल मुंह भरा हुआ है पॉपड़, अंदर ठूसे हुए हैं, अंदर बोला भी नहीं जा रहा। और यहाँ पे मेरा खाना हो गया रेडी, मैंने हल्की आंच पे रखा था, और ये बन गया है, रेडी हो गया हुआ है, फुल रेडी हो गया हुआ है। धनिया भी मैंने डाल दिया हुआ था। हाँ, हुरैन जब से ट्यूशन जाना शुरू हुई है उसके पता नहीं हाथ के ऊपर क्या बनना शुरू हो गया है, हाथ नहीं मतलब हल्की हल्की बॉडी पे से, या फिर एलर्जी है, या फिर वहाँ पर कोई चीज़ काटती है। तो मैं डॉक्टर को चेक करवा के आई थी, तो उन्होंने फिर ये मेडिसिन दी थी और ये ट्यूब दी थी लगाने के लिए, ठीक हो जाएगी। तो मुझे लगा शायद खुदा ना खास्ता चिकन पॉप्स तो निकल नहीं आई, या किसी बच्चे को निकले हो, इससे भी निकलना शुरू हो गया हो। तो वो डॉक्टर को दिखा के आई थी, तो उन्होंने कहा था नहीं चिकन पॉक्स नहीं है, ये एलर्जी है, ये आप मेडिसिन और ट्यूब लगाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। दुआ है कि अल्लाह ताला सब बच्चों के माँ बाप का साया सर पर सलामत रखे, और माँ बाप की आंखों की ठंडक बना के रखे उनके बच्चों को, और जो भी औलाद है अल्लाह ताला उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमाए। आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर।